सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्यूएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए, ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी अमाउंट था उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.